हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड, एक्सरसाइज 6.4 एंड एग्जांपल नंबर 5. इन दिस एक्सरसाइज देर आर टोटल 15 एग्जांपल्स, आउट ऑफ विच वी गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 5. सो द एग्जांपल इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0. सो यू ऑलरेडी नो दैट इज दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप. सी द पावर्स 2, यहाँ पे भी 2 और इन दोनों का मिला के इस टर्म का भी पावर है 2. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी द वी हैव टू कीप द डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड फर्स्ट. द फर्स्ट स्टेप इज, सो फॉर दैट पर्पज वी गोइंग टू पुट डाउन दिस टर्म एज इट इज एंड वी मूव दिस टर्म टू राइट साइड, सो इट बिकम्स माइनस. आफ्टर दैट वी गेट द डी वाई बाय डी एक्स ऑन वन साइड is equals to this minus x square minus y square upon 2xy as it is. तो हमारा पहला स्टेप आ गया कि हमने dy by dx को एक साइड में ले लिया. सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करते हैं कि वी हैव टू पुट दैट इज y इज इक्वल्स टू v इंटू x. तो ये हमें खुद से लेना है इस एग्जाम्पल्स में. तो y इज इक्वल्स टू v इंटू x सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v दैट इज y अपॉन x. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विल गेट dy by dx is equals to v into derivative of x is 1 plus x into derivative of v that is dv by dx. And we have to put down this value, जिसके लिए मैंने ये ब्रैकेट किया है. ये जो वैल्यूज है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें dy by dx दिख रहा है, सो उसका आंसर जो है वो है v plus x dv by dx. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन x square एंड y के बदले हम लिखेंगे v square minus x square अपॉन 2x एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ y इज v इंटू x. तो फिलहाल हम लेफ्ट साइड को ऐसे ही रखेंगे. माइनस इन दोनों में से मैंने x स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पर भी x स्क्वेयर हमें दिख रहा है, x इंटू x x स्क्वेयर एंड 2v इज एज इट इज, सो वी कैन कैंसिल दिस x स्क्वेयर. एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. हमने पहला स्टेप देखा कि हमें dy by dx को एक साइड में लेना है. सेकेंड में हम एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू v इंटू x एंड वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. एंड आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप दैट इज वी हैव टू मूव ऑल v टर्म्स टू द dv एंड ऑल x टर्म्स टू द dx. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बिफोर दैट मीन्स ये टर्म्स मूव करने के पहले हम क्या करेंगे, ये v को इस साइड में हमने ले लिया, सो x dv by dx इज एज इट इज. यहाँ पे हम उनका एलसीएम ले लेंगे, सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू द एलसीएम इज 2v टेकिंग क्रॉस दैट इज माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस 2v इंटू वी दैट इज 2v स्क्वेयर. सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड इज माइनस माइनस प्लस वी स्क्वेयर एंड माइनस 2v स्क्वेयर अपॉन 2v. सो माइनस 1 एज इट इज एंड इसका जो आंसर है वो है माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v. सो माइनस इन ब्रैकेट विल गेट 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v. And now here on the left side we can see that is x dv by dx is there and on right side minus 1 plus v square upon 2v is there. And now here we are going to move this v terms towards the dv and x terms towards the dx. Matlab all v ke term jo hai hum dv ke paas leke jayenge aur x wale terms hum dx ke paas leke jayenge. To ye agar yahan pe hum move karenge to ye 2v numerator mein aa jayega aur ye denominator mein. To 2v upon 1 plus v square dv. इसका जो माइनस साइन है वो हम यहीं पर ही रखेंगे. ये जो x है इसको हम यहाँ पे लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 1 अपॉन x एंड dx जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा. सो यू ऑलरेडी नो दैट इज इन डिफरेंशियल इक्वेशन नो एनी डेरिवेटिव टर्म विल बी इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले लेंगे उनका. तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो है 0 एंड v स्क्वायर का रहता है 2v. तो इसका डेरिवेटिव हमें न्यूमिनेटर में दिखाई दे रहा है. So here we use the formula that is integration of f dash of x upon f of x is equals to log of f of x. So log 1 plus v square is equals to minus log x. इसका जो integration है वो log x है एंड ये minus sign as it is plus c. So ये terms ऐसे ही रहेगा, ये minus वाला term यहाँ पे लेंगे तो वो plus हो जाएगा. अगर all terms एक log में है तो ये भी term हम log में ही लिखते हैं, ऐसा rule है. So log c यहाँ पे इन दोनों का एडिशन है, सो वी कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. सो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी. सो ऑन बोथ साइड्स द लॉग विल गेट कैंसिल एंड वी गेट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी.
एंड नाउ वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बिफोर गोइंग टू मल्टीप्लाई जस्ट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ वी. सो वी इज नथिंग बट वाई अपॉन एक्स. सिंस इट इज इन द स्क्वेयर फॉर्म वी ऑल्सो राइट डाउन वाई एंड एक्स इन द स्क्वेयर फॉर्म. सो वन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इन टू एक्स इज इक्वल टू सी. नाउ सी वी गोइंग टू मल्टीप्लाई इट. सो एक्स यस एंड इन दोनों का प्रोडक्ट में ये एक्स एक्स हट जाएगा. सो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू सी. नाउ वी गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस वन. एक्स इज द एलसीएम. एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी. नाउ मूव दिस एक्स टू दिस साइड. सो फाइनली वी गेट द आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स. तो इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन अगर आपको जो स्टेप्स लेना है वो अगर आपके पूरे ध्यान में आता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज, ऑल इंटीग्रेशन कंसेप्ट्स एज वेल एज डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर सिक्स विच इज़ ऑल्सो अ लेंथी एग्जाम्पल बट सी. डीवाई वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. सो डीवाई बाई डी एक्स हम एक साइड में अच्छे से ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑल अदर टर्म नहीं है. इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. नाउ हम क्या करते हैं आपको पता है कि यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दैट इज पुट वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स एंड वी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे वाई अपॉन एक्स. After taking the derivative, we get dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. And now we're going to put down these values in equation 1. तो यहाँ पर जो हमें dy by dx दिख रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे v plus x dv by dx is equals to. Now see, x minus 2y. तो ये हम x minus 2y के बदले हम लिखेंगे v into x. Upon 2x is as it is minus y के बदले लिखेंगे v into x. Now see, the left term is as it is. Now see what we can take common here. So minus, यहाँ पे x हम common ले सकते हैं, तो in bracket we'll get 1 minus 2v upon x is as it is and 2 minus v. V plus x dv by dx minus 1 minus 2v upon 2 minus v. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसमें से भी मैंने minus sign common ले लिया है. तो minus 1 minus 2v upon minus v minus 2. ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो वन माइनस टू वी अपॉन वी माइनस टू. तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू वी अपॉन वी माइनस टू माइनस वी अपॉन वन. तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस टू इज द एलसीएम. नाउ टेकिंग क्रॉस तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन माइनस टू वी और इसका प्रोडक्ट करके हमें मिलेगा वी इंटू वी दैट इज वी स्क्वेयर एंड माइनस माइनस प्लस टू वी. तो 2v 2v गेट कैंसल एंड वी गेट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस टू. सो दिस इज द आंसर ऑफ x dv वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस टू. नाउ वी मूविंग ऑल v टर्म्स टूवर्स dv एंड x टर्म्स टूवर्स द dx. तो ये यहाँ से आ जाएगा तो वो ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में आ जाएगी v माइनस टू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv. इंटीग्रेशन ऑफ ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन x dx. नाउ वी टेकिंग द इंटीग्रेशन साइड बाय साइड. मैंने इंटीग्रेशन भी ले लिया है यहाँ पे. तो ये थोड़ा सा फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, साइड में ले लिया उसको v माइनस टू एंड यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने स्प्लिटअप किया है दैट इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज़ वन प्लस वी एंड वन माइनस वी. तो आपको ये फॉर्म थोड़ा सा याद होगा इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन में. तो हमने क्या किया था, ए अपॉन वन प्लस वी मैंने सेपरेट के लिया सेपरेट यहाँ पे उसको किया है और प्लस बी एंड वन माइनस वी किया है. तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो वन प्लस वी वन माइनस वी यहाँ से ये दोनों हट जाएंगे क्रॉस करके यहाँ पे ए इंटू वन माइनस वी और ये बी इंटू वन प्लस वी और न्यूमरेटर इज एज इट इज़ दोनों का डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर लिया. अभी हम क्या करने वाले हैं, ये लेफ्ट साइड ऐसे मैंने कंटिन्यू की है ए से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस ए वी. सिमिलरली b से भी मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस बी वी. तो ये v वाले जो टर्म्स हैं उसमें से मैंने v को कॉमन निकाला है. ये पॉजिटिव टर्म है सो इसलिए मैंने उसको पहले लिखा है b माइनस ए प्लस ए प्लस बी. नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी गेट. तो यहाँ पे v का कोएफिशिएंट कोई नहीं है मतलब 1 है
और यहाँ पे वी का कोएफिशिएंट है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू वन एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू। तो ये दोनों इक्वेशंस एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन करके मैंने सॉल्व किए और यहाँ से मुझे वैल्यू मिली बी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये वैल्यू इसमें पुट किए तो मुझे ए का वैल्यू मिला माइनस थ्री बाई टू। रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस थ्री बाई टू एंड बी का वैल्यू है माइनस हाफ। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए अपॉन वन प्लस वी प्लस ये जो है वो है बी का वैल्यू है माइनस हाफ अपॉन वन माइनस वी डी वी एंड राइट साइड को था वन अपॉन एक्स डी एक्स। अभी हम इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, ये कॉन्स्टेंट है सो राइट इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। माइनस थ्री बाय टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वी डी वी, यहाँ पे वो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हाफ एंड वन अपॉन वन माइनस वी डी वी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स एज इट इज। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको प्लस करना है, तो माइनस थ्री बाय टू अपॉन सॉरी इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वी को हम वी प्लस वन भी लिख सकते हैं, तो वी प्लस वन डी वी। यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला है, तो माइनस साइन अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा वी माइनस वन, यहाँ पे मैंने कहा, और इसका जो माइनस साइन है वो माइनस माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा। डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम एक साथ सबका इंटीग्रेशन लेंगे, तो माइनस थ्री बाय टू लॉग ऑफ वी प्लस वन प्लस हाफ लॉग ऑफ वी माइनस वन एंड लॉग एक्स एंड सी वाला टर्म जो है, और सिंस ऑल द टर्म्स आर इन लॉग सो वी कैन राइट इट लॉग सी, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टू, सो वी गेट हियर माइनस थ्री लॉग वी प्लस वन प्लस ये जो टू है वो हमको हटाना है, सो हर एक टर्म को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री लॉग वी प्लस वन प्लस लॉग वी माइनस वन टू लॉग एक्स प्लस टू लॉग सी। तो माइनस थ्री लॉग वाई अपॉन एक्स, आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ वी दैट इज वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू टू लॉग एक्स एंड टू लॉग सी वन। माइनस थ्री लॉग यहाँ का एलसीएम मैंने ले लिया वो है एक्स वाई प्लस एक्स टेकिंग क्रॉस, यहाँ पर भी एलसीएम एक्स टेकिंग क्रॉस विल गेट वाई माइनस एक्स टू लॉग एक्स प्लस टू लॉग सी। अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन है, तो अगर डिवीजन होता है लॉग में तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म का सब्सट्रैक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा लॉग ऑफ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस थ्री नहीं है ऐसा हम कंसिडर करेंगे, या माइनस थ्री यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेंगे, तो लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग एक्स, लेकिन वो जो माइनस वाला टर्म है वो माइनस माइनस करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो प्लस थ्री लॉग ऑफ एक्स। ये देखो थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ समझाती हूँ आपको, अगर आपको ऐसा दिया है तो हम क्या करते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई लिखते हैं, और इसके साइड में हमारा माइनस थ्री है तो ये क्या होगा माइनस थ्री इसके लिए भी जाएगा और माइनस थ्री इसके लिए भी जाएगा, तो ये माइनस माइनस करके थ्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने ये टर्म को यहाँ पे लिखा है, सेम यहाँ पर भी डिवीजन है मतलब इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन लेंगे, लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स एंड टू लॉग एक्स एज इट इज़ टू लॉग सेवन एज इट इज़। नाउ मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो ये माइनस वाला टर्म जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों कैसे मैंने कैंसिल किया वो देख लो, पहले यहाँ पे कोई नहीं है मतलब वन है, तो ये थ्री लॉग एक्स एंड वन लॉग एक्स दोनों का सब्सट्रैक्शन हो सकता है, सो थ्री माइनस वन दैट इज़ टू लॉग एक्स और यहाँ का टू लॉग एक्स कैंसिल किया है मैंने। अभी माइनस जो थ्री है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जो प्लस टू है वो भी माइनस हो जाएगा। सिंस देर इज़ अ माइनस साइन वी कैन राइट इट इन द डिवीजन फॉर्म, सो लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स ये आगे वाला जो है वो पावर रहता है, सो ये यहाँ पे उसको पावर में जाएगा वाई प्लस एक्स रेस टू थ्री अपॉन वाई माइनस एक्स एंड लॉग ऑफ सी वन रेस टू माइनस टू। अभी सबके लिए मैंने एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे चूज़ किया है बिकॉज ऑल इज कॉन्स्टेंट हियर, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं सी, तो ये दोनों का लॉग कैंसिल होगा और हमें मिल जाएगा y प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी।
सो ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बताया कि 6.4 के सब एग्जांपल जो है वो है थोड़े से लंबे हैं, तो आगे की जो एग्जांपल्स है वो आप खुद से ट्राई करो। मैंने हाफ एक्सरसाइज यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है, आगे के जो 15 तक जो एग्जांपल्स है आप खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।